नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। धारचूला बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह धामी समेत 200 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज, ये है कारण। धारचूला विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता और COVID-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर जनसभा और रैली का आयोजन करने पर भाजपा प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली धारचूला में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड का रन, 70 विधानसभा सीटों पर मतदान कल, मैदान में 632 प्रत्याशी, हॉट सीटों पर सबकी नजर। 14 फरवरी को 81 लाख से ज्यादा मतदाता 632 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में कुल 11,697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों के हवाले है। इसके अलावा संवेदनशील केंद्रों के लिए रिजर्व फोर्स भी रखी गई है। देहरादून, शाखा प्रबंधक ने किया 49 करोड़ का गबन, बैंक ऑडिट में हुआ खुलासा। राजधानी देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निरंजनपुर शाखा में तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने फर्जी लोन सेक्शन कर करोड़ों का गबन किया है। इस मामले का खुलासा बैंक ऑडिट में हुआ। ऐसे में वर्तमान शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। लक्सर, वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी कर रहा था बिरयानी दावत, FST ने डाला खलल। सुल्तानपुर में वोटरों को रिझाने के लिए बिरयानी परोसे जाने की सूचना पर FST की टीम ने छापेमारी की। टीम ने वीडियोग्राफी कराकर करीब 200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पार्टी के एक वर्कर ने लगाया मारपीट का आरोप। हरिद्वार विधानसभा में रोजाना शराब बरामद हो रही है, वहीं कांग्रेस दूध पिलाकर लोगों से इस बार नशे पर चोट की अपील कर रही है। वहीं हरिद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने पकड़ी 3 करोड़ की अवैध शराब। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है। इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आचार संहिता के दौरान सबसे ज्यादा शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी अभी तक अवैध शराब तस्करी के 1101 मुकदमे दर्ज किए हैं और 1151 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी, कल से इन ट्रेनों में शुरू होगी खाने की सुविधा। कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों में खानपान की सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है, वैसे ही ट्रेनों में यात्रियों को IRCTC की ओर से भोजन मुहैया कराया जाएगा। 14 फरवरी से देहरादून सहित देश के सभी ट्रेनों में खानपान की सुविधा मिलने लगेगी। रुद्रप्रयाग, UKT प्रत्याशी मोहित डिमरी पर जानलेवा हमला, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से UKT प्रत्याशी मोहित डिमरी पर जानलेवा हमला हुआ है। मोहित डिमरी और उनके 2 साथियों पर शनिवार रात करीब 10 बजे 2 बाइक सवार 4 लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे मोहित डिमरी घायल हो गए। फिलहाल मोहित डिमरी अस्पताल में भर्ती है, उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 1488 बूथों पर मतदान कल, पोलिंग पार्टियों हुई रवाना, लगाई गई 328 बसें। रुद्रपुर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से आज बगवाड़ा मंडी रुद्रपुर से जनपद की 9 विधानसभाओं के लिए 1488 पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि पोलिंग पार्टी के लिए 328 बसें लगाई गई हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी बसों की ट्रैकिंग भी की जा रही है, ताकि कंट्रोल रूम द्वारा इनकी निगरानी की जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सखी बूथों के साथ अन्य बूथों हेतु नामित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान कार्मिकों हेतु दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। यहां घर घर जाकर बांट रहे थे पैसा, 2 आरोपी गिरफ्तार। चुनाव प्रसार बंद होने के बाद भी कई प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, मतदाताओं को तरह तरह से प्रलोभन भी दिया जा रहा है। ऐसा एक मामला रुड़की में सामने आया है। जिले की लक्सर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शाहजाद ने कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को पैसे बांटने नजर आए। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर घर पहुंचने लगे लिफाफे, लोगों को दी जा रही मिठाई। चुनाव का शोर थमने के बाद गदरपुर में भाजपा कांग्रेस ने लोगों के घर घर जाकर वोटों को अपने पक्ष में करने पर पूरा जोर लगा दिया है। दिनेशपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह विर्क पर एक मतदाता ने 21,000 रुपए देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनको लिफाफा थमा दिया गया था। वहीं कांग्रेस नेता त्रिनाथ विश्वास ने आरोप लगाया कि मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पांडे के प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में एक लिफाफा, साड़ी और मिठाई वितरण कर रहे हैं। कल गांव वालों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह सब आरोप गलत है। सभी तैयारियां पूरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की खास अपील। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि वोट सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा सभी मतदाता अपने साथ जरूरी सामग्री जरूर ले जाएं।
जिससे उनको वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर एक मत बेहद अमूल्य है। पहचान पत्र खो जाने पर मतदाता अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, DL पासपोर्ट भी ला सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं, गर्भवती महिलाएं परेशान। पिथौरागढ़ के सबसे बड़े महिला हॉस्पिटल में अब तक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन ने जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। हल्द्वानी कोतवाली में धरने पर बैठे कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश, बीजेपी पर पैसा शराब बांटने का आरोप। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश ने कोतवाली परिसर में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उनका कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी वोटर्स को शराब और पैसा बांट रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।